ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आमजन की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस जन सहायता कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवबारा समाचार ऋषिकेश उत्तराखंड से बसंत कश्यप। आज देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। चार धाम में जो है तीर्थ पुरोहित जो है लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राधिकरण को पूरे पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में लादने का काम इस सरकार ने। इस सरकार की तो बड़ी लंबी चौड़ी फिर इसका और भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे। आज 4.25 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं। भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, हम अगर कुछ कहते तो शायद संभवतः ये होता कि कांग्रेस विपक्ष में इसके आरोप लगा रही है। आज तो मंत्री जो है कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है। आज सत्ता पक्ष का विधायक भ्रष्टाचार को लेकर के विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम कर रहे हैं। तो आज तो भाई सारी स्थिति स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस कहाँ है ये तो बताए मुख्यमंत्री। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जयेंद्र रमोला जी ने यहाँ पर ये कार्यालय खोला है और जिस कार्यालय में आम जन आकर के अपनी शिकायत अपनी समस्या को लेकर के आ सकते हैं और तमाम कांग्रेस के साथ इस बात का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। आप हर चीज़ को जो है चुनाव से मत जोड़िए। कांग्रेस सिर्फ जो है राजनीति चुनाव के लिए नहीं करती है, बल्कि कांग्रेस जो है सदैव इस बात का प्रयास करती है, कोशिश करती है कि आम जन की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम कार्य